वेलकम व्यूअर्स, व्हाट्सएप दोस्तों, व्हाट्सएप मेरे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो भी हैं जिन्होंने मुझे वो ट्रेडमार्क वाला साइन दे दिया जहाँ पे 100 सब्सक्राइबर्स 1000 व्यूज हो गए मेरे लिए। करंटली वापस हम इस वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे मैथ्स का, अलजेब्रा से जो फर्स्ट सेशन हम लोग कर लेते लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोस्तों मैंने बताया था कि ग्राफिकल वे से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ जो एक तरीका है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, किस तरीके से हम लोग उसको काम करते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना चाहिए बाय डिटरमाइनिंग मीन्स। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं फिलहाल के लिए आपको जो अगला एक्सरसाइज है जहाँ पे आप क्रेमर्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्रेमर्स रूल के पहले आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम लोग अभी से जो ये एक्सरसाइज है यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों डिटरमिनेंट्स और यहाँ पे आप जो डिटरमिनेंट्स को देख रहे हो यहाँ पे एक चीज आपको एक क्या बोलते हैं रिलेशन या फिर कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ से, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसिस। दोस्तों डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों में कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूँ, अभी वहां पे एक थोड़ा एक क्लॉज आता है। दोनों में एक चीज फंडामेंटल है कि कोई भी टाइप का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस हो, उनको हम इन दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स की तरफ से अगर आपको सॉल्व करना है तो बाय क्रेमर्स रूल आप सॉल्व कर सकते हो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को। जब आप 11th 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, कॉमर्स का स्ट्रीम, आर्ट्स का स्ट्रीम या कॉमर्स साइंस का स्ट्रीम आप लोगे, तब आपको मैट्राइसिस सीखने को मिलेगा जहाँ पे आप यही लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिकल फॉर्म में आप सॉल्व करने को देखोगे। एंड उस वक्त आपको पर्टिकुलरली एक लेसन भी रहेगा जहाँ पे आप मैट्राइसिस करके पढ़ने वाले हो। बहुत टाइप के मैट्राइसिस है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अनगिनत मैट्रिक्स है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द टाइप्स ऑफ इनवर्जंस दैट वी कैन फाइंड थ्रू मैट्रिक्स। बट दोस्तों डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का जो कोरिलेशन मैंने बताया वो उसका एक छोटा सा डिफरेंस ही मैं बता देता हूँ। डिटरमिनेंट्स सबसे पहली बात, ये सिर्फ एप्लीकेबल है स्क्वायर मैट्राइसिस के लिए, मतलब ये कोई भी जो इक्वेशन रहते हैं अगर उनमें 3x3 मैट्रिक्स का कुछ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको एक तीन वेरिएबल, तीन कॉन्स्टेंट्स अगर ऐसे मेरे कुछ है तो उसको सॉल्व कर सकता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, दोनों का जो नंबर रहेगा सेम रहेगा, 1x1, 2x2, 3x3, ऐसे 4x4, 5x5, ऐसे कोई भी नंबर रहेंगे, ऐसे कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस रहेंगे उसको हम लोग डिटरमिनेंट्स में सॉल्व कर सकते हैं। कि ये जो मैंने जो नंबर लिखा है 1x1, 2x2, 3x3, इसको एक फॉर्मेट में लिख के आता हूँ। मैट्रिक्स में हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं A11, A12, A21, A22। तो दोस्तों ये जो 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा था, जैसे मैंने बोला था रोज और कॉलम्स को डिफाइन करता है वो, तो रोज हॉरिजॉन्टल रहते हैं, कॉलम्स वर्टिकल रहते हैं, तो कितने रोज है दोस्तों, दो रोज है, दो कॉलम्स है। तो ऐसे टाइप के जो सम्स रहते हैं उनको हम डिटरमिनेंट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे जब यहाँ पे रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब यहाँ पे दोस्तों आपको डिटरमिनेंट्स में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्व करने को मिलेगा, इसका मतलब क्या, आपके पास अगर दो इक्वेशन है जिसमें दो दो वेरिएबल्स हैं अलग अलग, जिसका दो में दो, दोनों का वैल्यू मुझे ढूंढना है, यूनिक सॉल्यूशन मुझे अगर ढूंढना है तो आपको डिटरमिनेंट्स यूज करने को बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उस सॉर्ट ऑफ वेरिएबल या फिर उसका जो रूट रहेगा, उसका जो रूट वैल्यू रहेगा वो सिर्फ एक रहेगा। मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बहुत बार आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसा मैंने अपने मुंह से बोला था कुछ कुछ चीज़ों में, तो आपको ये चीज़ बेसिकली आपको समझ में आनी चाहिए। एंड एक और बात, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में एक और डिफरेंस है कि डिटरमिनेंट्स पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग लिखते हैं। पैरेलल लाइंस में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ब्रॉडली समझ में आ सके, अगर मैं सिर्फ लाइन बार के पीछे बोलूँ तो शायद आपको बाउंसर गिरे, क्योंकि जो बार कॉन्सेप्ट है फिर मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब आप 11th 12th में सीखते हो। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो ये पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग नंबर लिखेंगे, लेकिन 11th 12th में इन पैरेलल लाइंस को हम लोग बोलते हैं जब दो पैरेलल लाइन के बीच
बीच में हम लोग नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस। मैट्रिक्स जो फॉर्म रहता है, मैट्रिक्स में हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर नंबर्स लिखते हैं। एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, बट मैट्राइसिस में हम लोग एनी नंबर ऑफ रोज 1 × 2, 1 × 0, 0 × 1 मतलब कोई भी टाइप ऑफ रोज, मतलब एन नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी रहे उनको हम लोग कॉल कर यूज कर सकते हैं, उनका वैल्यू ढूंढ सकते हैं, उनका रूट वैल्यू निकाल सकते हैं, उनसे इनवर्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना था आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एंड बेसिकली अगर मैं बात करने जाऊँ तो हम अब फिलहाल के जो डिटरमिनेंट्स देख रहे हैं, क्रेमर्स रूल देख रहे हैं, तो जो क्रेमर्स रूल है उनका पूरा नाम जो था एंड ही व्हाट ही हु ही वाज व्हाट एंड हु ही वाज, ये दोनों क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्रेमर का पूरा नाम था स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रेमर। वो कौन थे? एक स्विस मैथमेटिशियन थे का पूरा नाम क्या था? गैब्रियल क्रेमर। तो दोस्तों ये जो महान व्यक्ति है इन्होंने अभी क्या निकाला, डिस्कवर किया? अभी तक हम दोनों एक्सरसाइज में ये देख चुके हैं कि नॉर्मली हम लोग के पास अगर एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे हम लोग यूपीएससी एग्जाम्स या एमपीएससी एग्जाम्स में देखते हैं सॉल्व करने के लिए कोई भी टाइप का इक्वेशंस को, तो उस टाइम हमको किस तरह सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये देखा ग्राफिकली क्यों सॉल्व करना है, किस तरह से हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग लीनियर इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं उनके रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंसान है, ये जो मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक नया तरीका निकाला। इन्होंने बोला जिस तरीके से आप ग्राफ और आप एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस को निकालते हो बाई फ्रेमिंग अ वर्ड वर्ड प्रॉब्लम, उसी तरह से आप एक और नया फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला इन्होंने दे दिया जहाँ पे इन लोग डिटरमिनेंट्स की यूज़ करते हैं। तो अभी डिटरमिनेंट्स मतलब कि सबसे पहली बात आप ध्यान रखो, डिटरमिनेंट्स में जैसे मैंने बोला 2 by 2, 1 by 1, 3 by 3, ये जो भी हो, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट आर डायगनल एंड द आंसर फॉर द डिटरमिनेंट इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन दोज प्रोडक्ट्स। अभी उसका पूरा मतलब मैं बताता हूँ। समझो मेरे पास चार नंबर दिए गए ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट है ये, मैंने बोला था कैसे दिखाना है मुझे। एंड एक और बार एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता देता हूँ, डिटरमिनेंट्स जो है उसको हम लोग डिनोट करते बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल जो अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, उससे हम लोग डिटरमिनेंट्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये मेरा डिटरमिनेंट है मॉड ऑफ ए बी सी डी, तो इसका वैल्यू कैसे निकालूँ कैपिटल ए का? उसका वैल्यू दोस्तों ऐसा आता है कि ए डी माइनस सी बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए डी एंड प्रोडक्ट ऑफ सी बी का डिफरेंस वैल्यू। इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा मेरा डिटरमिनेंट का आंसर, एंड दिस आंसर विल बी यूनिक। अब डिटरमिनेंट यूनिक रहेगा कि मेरा वेरिएबल का जो वैल्यूज रहेगा वो यूनिक रहेगा, वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिलता है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रेमर ने डिटरमिनेंट्स को निकाला था। तो दोस्तों डिटरमिनेंट्स वो एक फॉर्मूला के तरफ से गैब्रियल क्रेमर ने हमको दिया था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एंड अभी ग्रेमियर जो क्रेमर थे उनके रूल क्या बताते हैं, डिटरमिनेंट्स से हम लोग किसे लीनियर इक्वेशंस को देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रहना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यह आपको याद रहेगा मैंने बोला होना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ। तो समझो दोस्तों अभी हम लोग को हमेशा दो दो इक्वेशन मिलते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के। तो इफ सपोज मेरा एक इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, ये मेरा दो इक्वेशन से समझो दोस्तों। सो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरे ये दोनों इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ, तो मुझे ए का वैल्यू क्या मिलता है ए वन, बी का क्या वैल्यू मिलता है ए बी टू बी वन सॉरी पहले इक्वेशन के लिए पहले बोल रहा हूँ, सी का वैल्यू क्या मिल रहा है सी वन, और वैसे दूसरे इक्वेशन के लिए ए का वैल्यू क्या मिल रहा है ए टू, बी का वैल्यू मिल रहा है बी टू, सी का वैल्यू मिल रहा है सी टू। तो
तो दोस्तों गैब्रियल केमर ने मुझे हमें क्रेमर रूल के तरफ से ये जो निकाल के दिया कंपैरिजन के तौर पे जनरल फार्मूला से, इसको एक फार्मूला टाइप में लिख के दिया है, वो है कुछ इस तरह से, डी इज इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू, डी एक्स इज इक्वल टू सी वन सी टू बी वन बी टू, डी वाई इज इक्वल टू ए वन ए टू सी वन सी टू। तो अभी दोस्तों आपको दिमाग में ये आता रहेगा कि यार डी डी एक्स डी वाई क्या होता है। सबसे पहले बात आपको ये डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी अगर मैं डी की बात कर रहा हूँ सिर्फ ए वन ए टू बी वन बी टू, तो दोस्तों ये दोनों चीज क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है एक्स और वाई वेरिएबल के, एक्स और वाई का। पहले इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ए वन, वाई का कोएफिशिएंट बी वन, पहले सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ए टू, वाई का कोएफिशिएंट बी टू। मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई को सबसे पहले सॉल्व किया, नॉर्मली बेसिकली जो हमको करना चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई देखते हैं, फिर हम लोग स्टेप वन में आते हैं कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है या नहीं, उनको सेम करवाते हैं। तो वो उसका पार्ट यहाँ पे सॉल्विंग किया डी के तरफ से। तो अभी दोस्तों डी एक्स क्या है, डी एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट को, मतलब जो एक्स का टर्म है उसको डिपेंडेंट बना दिए इस पे वाई का आंसर पे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बी वन बी टू आया यहाँ पे, इट इज मल्टीप्लाइड विद द कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑफ द इक्वेशन। बी वन बी टू क्या है, कोएफिशिएंट्स देते हैं वाई के, सी वन सी टू दोनों इक्वेशन के कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने बताया था डिटरमिनेंट इज अ डायगोनल प्रोडक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन दोस प्रोडक्ट, मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो डी एक्स वैल्यू दे रहा है मुझे, ये जो एक्स का जो टर्म है इट इज डिपेंडेंट ऑन वाई, वैसे वाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, आप वो याद। तो दोस्तों आप याद रखो ये फॉर्मूला क्या है, एंड यहाँ पे आप बेसिक वापस बताता हूँ मैं, डी वाई जो है वो जो वाई जो कोएफिशिएंट जो टर्म है या फिर वेरिएबल है, इधर डी वाई जो क्यों लिखा है हम लोग ने, क्योंकि वो इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स कोएफिशिएंट्स। अब दोस्तों आपको ये डाउट आता रहेगा कि डी एक्स डी वाई और डी का काम क्या है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्मूला एंड अप नहीं होता, क्रेमर्स रूल के हिसाब से गैब्रियल केमर जी ने क्या बताया कि एक्स का मुझे अगर आंसर निकालना है तो मुझे डी एक्स का जो वैल्यू मिलता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा डी से, वैसे ही वाई का जो वैल्यू चाहिए अपने को मुझे, तो डी वाई को का जो वैल्यू है उसको डी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों ये दो चीज़ हमको क्यों करना है, सबसे पहला अपना वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में देखते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन सबसे पहला काम मेरा क्या था, अपने जो टर्म्स है या फिर जो इक्वेशंस है उनको एक वेरिएबल के हिसाब से बना देना, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल डिपेंड करना या फिर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को ढूंढ के दिखाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, स्टेप वन कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वन वेरिएबल मस्ट बी सेम और मस्ट बी मेड सेम, तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करवाते थे, फिर उसको ऐड या सबट्रैक्ट करते थे बेस्ड ऑन देयर साइंस। उसके बाद मुझे जो वेरिएबल है जो बचा हुआ वेरिएबल उसका वैल्यू मिल जाता, एंड फ्रॉम दैट वेरिएबल वी यूज़ bring और bring the value of another variable by using substitution method। तो वही formula को यहाँ पे भी क्रेमर रूल ने अप्लाई किया गया है कुछ और तरीके से, कुछ न्यू तरीके से जो आपको देखने को अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया, ए वन ए टू बी वन बी टू का डिटर्मिनेंट निकाला, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशंस उसका डिफरेंस निकाला, डी का उसका वैल्यू मिलेगा हम लोग को डी में। अब यहाँ पे आप एक गौर से देखो, हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, ए वन को बी टू से और ए टू को बी वन से, मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग। हम जो कोएफिशिएंट को देख रहे हैं यहाँ पे पहले इक्वेशन में, जिस एक्स का जो कोएफिशिएंट है ए वन, वाई का कोएफिशिएंट बी वन है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट ए टू, वाई का कोएफिशिएंट बी टू है, उन दोनों को आपस में नहीं लेकिन इंटर रिलेट करके, मतलब एक जगह का एक्स कोएफिशिएंट एक जगह का वाई कोएफिशिएंट, वैसे एक को एक इक्वेशन का जो वाई कोएफिशिएंट है उसको दूसरे इक्वेशन के एक्स कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। एंड ये डिफरेंस जरूरी क्यों है दोस्तों, क्योंकि मेरा पहला जो डी एक्स निकाल रहा है वो किस पर डिपेंडेंट है, वाई वाले डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्स्टेंट ऑफ द एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वाई इन बोथ द इक्वेशंस, वो जो आंसर आएगा उससे मुझे एक्स का वैल्यू इसीलिए मिलेगा क्योंकि वो कट होता है, नलीफाई होता है बी वन बी टू से। वैसे y में भी सेम काम होता है, x का जो कोएफिशिएंट है वो नलीफाई हो जाता है d से, हेंस वी गेट द आंसर ऑफ x एंड y। तो ये दोस्तों आपको दोनों
जो हम लोग मेथड यूज करते थे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, वो दोनों चीज आपको एक ही साथ क्रेमर्स रूल में बताया गया है। तो आपको बेसिकली यही स्टेप और यही फॉर्मूलाज को याद रखने हैं। एंड डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक मॉड का साइन बनाते हैं यानी पैरेलल लाइन, उसके अंदर हम लोग अभी अपने जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं उनका वैल्यू निकालते हैं। एक बात आप याद रखो कि अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी टर्म्स का वैल्यूज का अगर हमने प्लेस चेंज कर दिया, डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो गलत आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो वेरिएबल को जो या फिर जो टर्म्स लिख रहे हो यहाँ पे प्रॉपरली देख के लिखो। सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हो जिस फॉर्मूला का मैंने उद्देश्य किया है उसी को फॉलो करो, अपने हिस्से से कुछ भी मत दिमाग लगाओ, आप समझो क्यों कर रहे हो वो चीज। तो दोस्तों अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, वो सम हम देखेंगे किस तरह से करना है, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये एक सम है जो डिटरमिनेंट का एक सम हम लोगों को दिया है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, अगर इसको कोई नाम नहीं दिया तो आप एक नाम दे देना कैपिटल लेटर में, सबसे पहला काम वो रहता है। लेट ए इज इक्वल टू 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। दोस्तों अभी सॉल्व कैसे करना है मैंने बताया, डिटरमिनेंट को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, इट इज अ प्रोडक्ट, डायगोनल प्रोडक्ट एंड द डिफरेंस गिव्स अ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये फॉर्मूला था मेरा AD-CB, तो इससे मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस बोर्ड एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस बोर्ड, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस निकालना है। तो पहली बार अपना किसका मल्टीप्लीकेशन करना है दोस्तों, 7/3 × 1/2 − 5/3 × 3/2। यहाँ पे भी दोनों के नीचे के जो डिनोमिनेटर से ऑपोजिट है, मतलब अलग अलग है, तो उसका भी क्या करना है हमें एलसीएम निकालना है, हमेशा जो हम लोग बोलते हैं निकालना है। आपको थोड़ा सा आपको शायद होना चाहिए दिमाग की, मतलब मल्टीप्लाई का साइन बीच में दिया गया, मैं निकालना है गुणनफल, तो आप डायरेक्टली अगर वो उसकी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जा रहे हैं मतलब फिर तो आपका मैथ्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं आपको चढ़ाने रहा हूँ, बता गौर देखो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना आ रहा देख रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन का साइन है दोस्तों, प्लस या माइनस का साइन नहीं है, प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो हम लोग को अगर नीचे का डिनोमिनेटर का वैल्यूज अगर अगर मिलते नहीं एक दूसरे से तो एलसीएम को निकालना है। बट यहाँ पे डायरेक्टली हमें मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया है, देन वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, कैसे मतलब 7 × 1 = 7 × 3 × 2 = 6 − −5 × 3 = 15 × 3 × 2 = 6। दोस्तों बहुत सारे बच्चों लोग को जब हम लोग एग्जाम सॉल्व में जाते हैं ये सम सॉल्व करते हैं जो दो एक मार्क का ही आता है फिल द ब्लैंक्स में भी, बच्चों लोग को हड़बड़ाहट में वो हम लोग को एक डेढ़ घंटे में हम लोग सॉल्व करना है, पेपर खत्म करना है करके ही वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन में देखते हैं डायरेक्ट एलसीएम निकालते फिर सॉल्व करते हैं चीज़। इसीलिए मैंने वो एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए बीच में मैंने बोला था करना है करके फिर आपको मैंने दो बार पूछा, आप उसको गलत वे में मत ले लेना कि मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखो माइनस का साइन आया लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, तो हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर लेके हम लोग काम कर सकते हैं, 7 − 15 करेंगे तो हमको उसका डिवाइड ही करना है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू यहाँ पे भी अगर मिसमैच होता तो आपको एलसीएम लेना पड़ता क्योंकि यहाँ पे पीछे माइनस का साइन है, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तब भी आपको वही करना है। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए डिनोमिनेटर का जो वैल्यूज है दोनों जगह पे सेम है तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। फिर 7 − 15 अभी बड़े नंबर को छोटे नंबर से अगर माइनस करेंगे तो हमको पॉजिटिव साइन आ जाता, लेकिन अभी हम लोग छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करवा रहे हैं तो जो आंसर आएगा इट विल हैव अ माइनस साइन ऑन इट। तो दोस्तों 15 − 7 मुझे क्या देता है, तो उसका आंसर आपको जल्द ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत कम रहता है मेरे लिए और आपका एग्जाम्स में भी। ये जो 18 मार्क का सम है उसको आपको मिनिमम सिर्फ 10 to 20 seconds देना पड़ता है, उससे ज़्यादा अगर आपने दिया तो फिर बाकी का जो सम्स रहता है जहाँ पे आपको any 2 any 3 आपको सॉल्व करने को बोलते हैं वो सम में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये जो सम से फटाफट आप कैलकुलेशन करो अपने माइंड में, डिविजन करो डायरेक्टली
दोनों टू के टेबल में आते हैं, थ्री फोर, इसका आंसर क्या -4/3। तो डिटरमिनेंट ए का आंसर क्या मिला मुझे -4/3। अब एक चीज, ये जो चीज मैंने लिखा है, आप एक चीज भूल रहे हो यहाँ पे, क्या ये मॉड हटा, क्या मैंने हटाया डायरेक्टली इसको, क्या मैंने इसको यूज किया बराबर, क्या आपको डिटरमिनेंट सॉल्व हुआ है, परफेक्ट आंसर आया है, ऐसा आपको लगता है? मैंने सिर्फ आपको ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताने की जगह पे मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था क्या कि ये मॉड हटना चाहिए यहाँ से, दोस्तों ये छोटी छोटी जो चीजें रहती है वो आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, या अगर आप भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको सॉल्व करने में, तो ये याद रखो हर जगह। एंड यहाँ पे भी आप जब सॉल्व करते रहोगे आपको सिर्फ बेसिकली एक बात ध्यान देना है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन, सच्ची बोल रहा हूँ, ये जो मॉड का साइन है ये जरूरी है कि नहीं, वो आप समझो। तो क्वेश्चन अगेन मैं वही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मॉड जरूरी है या नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे जरूरत नहीं है उस चीज की। दो गलतियां मैंने बताई, मैं सिखाते सिखाते आपको गलत जो आप कर सकते हो वो दो गलती मैं बता रहा हूँ। पहली गलती ये कि मल्टीप्लिकेशन का साइन में गड़बड़ी कभी कभी आप डायरेक्टली कर दो, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो। दूसरी गलती है कि क्या ये मेरा मॉड का जो साइन है वो कंटिन्यू होता है डिटर्मिनेंट्स में, ये आप दिमाग में कोई कोई बच्चे लोग रखते नहीं वो हड़बड़ाहट में। तो आपको याद रखना है कि ये जो चीज़ है मॉड का जो साइन है वो काम नहीं आता है यहाँ पे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट मॉड्स है ना आपको काम करना है, कैसे है मैंने बोला, सबसे पहले वो टर्म जो आएगा आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करो, प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी मैंने दिया है, फिर डायरेक्ट सॉल्विंग करते जाओ। एंड यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट्स में याद रखो प्रोडक्ट निकाल रहे हो दोनों जगह पे, प्लस का साइन नहीं है बीच में, इधर है। तो ये स्टेप नेक्स्ट वाला है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एलसीएम मत लेना, एंड जब एलसीएम लेना का जरूरत है तो ही लो, आप फालतू में हड़बड़ाहट में कोई गड़बड़ी मत कर देना। तो इसका आंसर हम लोग को 4/3 जो आया है, -4/3 जो आया है वो प्रॉपरली करेक्ट आंसर है। एंड ये स्टेप्स आप फॉलो करो, दो गलतियां मैंने बताया उस पर गौर करना दोस्तों। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक लीनियर इक्वेशन का टाइप था मैं जहाँ पे आप करने वाले, एंड वो बेसिकली हम इस वीडियो में नहीं, क्योंकि अगर ये वीडियो में मैंने सब कुछ ले लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं उसको पार्ट्स में लेता हूँ, अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो।